चमोली जिले के महाराजगंज तहसील दिवस में आई शिकायतों का सीमा के अंदर संबंधित विभाग के अधिकारी निरीक्षण करना अनुसूचित किया है। वहीं आप देख सकते हैं महाराजगंज तहसील दिवस की अध्यक्षता पर कर रही उपजिलाधिकारी सलीनी प्रभावी उपजिलाधिकारी कर्मचारी संबोधित करते हुए व्यक्त किया है कि वहां समाधान दिवस के कुल 83 पत्र शिकायतें आई थी, जिसमें 8 शिकायतें पत्र का निरीक्षण किया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि राजापुर गांव के निवासी कलेश पुत्र गंगा प्रसाद, गांव के ही ललता प्रसाद, संतोष कुमार, रामचंद्र, हरिचंद, घर के ही सामने पुस्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा किया था। जानकारी के अनुसार शिकायत मिली शिकायतकर्ता का कहना है कि कई बार उपजिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया है, लेकिन इसका आज तक कब्जा नहीं हो सका। आप देख सकते हैं प्राइम न्यूज चैनल के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रामभवन की लाइब्रेरी से। क्या नाम है भैया आपका? कमलेश कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? राजागंज से। अच्छा, क्या मामला है? एसडीएम साहब को शिकायती पत्र दिया है आपने? मेरा विवाद है, उसमें 70 साल से कब्जा है मेरा जी। उसमें एक कुआ है, फूल लगा है, एक छप्पर रखा हरा भैंस बांधे जाते थे जी, उसको यूज कर रहे थे, तो उसमें जबरन विपक्षी पार्टी कब्जा कर रही थी, तो उसको मैंने शिकायती पत्र दिया तो लाठों डंडों से मारा है और कब्जा कर लिया है। किसने? लालता प्रसाद तिवारी, संतोष कुमार तिवारी, हरिचंद, रामचंद। कहाँ के रहने वाले हैं? राजा कंसपुर। मजरा कौन सा है? मजरा ग्राम राजा कंसपुर, पोस्ट हलोर, तहसील महाराजगंज, ग्राम सभा प्रवासी है। तो क्या आश्वासन दिया एसडी? क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम पूरे पांडे पोस्ट तहसील महाराज के रहने वाले। अच्छा, तो क्या मामला था? आज तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिया आपने एसडीएम साहब को? हमने लगभग 7 साल पहले एक जमीन बैनामा लिया था जो हमारे दादाजी की जी, और बैनामा लेने के उपरांत हमारे घर वाले उस पर पहले से ही कब्जा कर रखे हुए थे। घर वाले? हमारे पारिवारिक लोग। कौन कौन नाम बताएंगे उनका? जी, उनका नाम है राम कुमार, सत्यनारायण रामपाल, रमा शंकर, राजा राम, विजय बहादुर, कलावती। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।